हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा एंड टुडेज टॉपिक इज ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, ये कैसे होता है और इसको हम कैसे ट्रीट और मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, ये सब मैं आपको इस वीडियो के एपिसोड में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। एक्चुअली ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जब पर्सन की ओरल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो पान चबाने से या तंबाकू के सेवन के कारण उनमें बार बार फ्रिक्शन होने से उनमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है और कई बार नोट्स जैसी हार्डनेस भी डेवलप होती है, जिससे कि जो माउथ ओपन करने की एबिलिटी है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। यानी पर्सन जो तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं उनमें मुँह का पूरी तरह से नहीं खुलना, इस कंडीशन को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। तो ये क्यों होता है, अब हम इसका कारण जान लेते हैं। तंबाकू को किसी भी फॉर्म में लेने से, चाहे आप टोबैको च्यूइंग करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर पान मसाले में तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू को लेते हैं, जिसके कारण आपके जो ओरल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होते होते वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप करने लगती है। कई बार इस कंडीशन में माउथ अल्सर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। माउथ अल्सर बार बार आपका होगा, रिकरेंट माउथ अल्सर होगा। रिकरेंट माउथ अल्सर होने से उसमें जो हीलिंग प्रोसेस होती है, हीलिंग प्रोसेस भी बार बार डेवलप होने के कारण भी वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण आपको वहाँ पे नोट्स या गठान जैसा फील होने लगता है। आइए जानते हैं इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं अपने पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ करती हूँ, उन मेडिसिन्स को मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट मेडिसिन है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि तुलसी के द्वारा बनाई जाती है, जो एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि प्री कैंसरस, ये जो कंडीशन होती है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, एक्चुअली ये प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है। किसी किसी में कैंसर में डेवलप नहीं हो पाती है, लेकिन कई बार ये कंडीशन धीरे धीरे इंसीडियसली अगर तंबाकू का सेवन नहीं छोड़ते हैं तो ये कैंसर में भी डेवलप हो सकती है। तो इसके लिए ऑसिमम सैंक्टम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि फाइब्रस टिश्यू को डिपोजिशन जो आपका हो गया है उसको धीरे 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 डिसॉल्व करती है और माउथ ओपन करने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। दूसरी मेडिसिन है क्यूरकोमा लोंगा। करकोमा जो लोंगा मेडिसिन है वो हल्दी से बनती है, ये भी एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में इसे प्री कैंसरस कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करती है और साथ में आपके फाइब्रस टिश्यू को भी डिसॉल्व करती है। तो इन दोनों मेडिसिन्स को कैसे सेवन करना है वो हम यहाँ पे जानते हैं। करकोमा लोंगा का मदर टिंचर और साथ में आपको ऑसिमम सैंक्टम दोनों का मदर टिंचर लेना है। दोनों को एक बड़ी फाइल में 30-30 ml लेकर, एक बड़ी फाइल में 100 ml की आप फाइल ले लीजिए, उसमें मिक्स करना है और दोनों मेडिसिन के मिक्सचर को एक ग्लास पानी में 20-20 ड्रॉप आपको डालकर उससे गार्गल करना है। डेली आप दिन में 2-3 बार इसको गार्गल करेंगे तो आप 5-6 महीने तक इसको गार्गल करने से आपकी कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइब्रोसिस की कंडीशन है वो धीरे 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 करेक्ट होती है इन मेडिसिन्स के द्वारा। दूसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर को आप 6 potency में ले सकते हैं। कैल्केरिया फ्लोर टैबलेट्स SBL कंपनी की लेना है। इसको 4-4 गोली सुबह शाम आपको जीप पर लेके चीप करना है। ये मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को 200 potency में लेना है आपको। कॉस्टिकम को 2-2 बूंद सुबह शाम 4 महीने तक यूज़ करना है। ये आपके जॉ की जो फाइब्रोसिस की कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करती है। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे मेडिसिन्स बताए हैं
वो आप सभी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। इसमें दो मेडिसिन गार्गल करने के लिए है और दो मेडिसिन आपको ओरली इसको लेना है। कैल्केरिया फ्लोर को ओरली लेना है 4-4 गोली सुबह शाम, और कॉस्टिकम को 2-2 बूंद सुबह शाम 4-4 महीने तक यूज़ करना है। तो ये है होम्योपैथिक मैनेजमेंट। और ये कंडीशन प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है, तो आपको इस कंडीशन में थोड़ा पेशेंस रखना है। और साथ में तंबाकू का सेवन, जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तब आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, नहीं तो इस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे। और साथ में इसकी एडवांस स्टेज होती है, जब कैंसर की कंडीशन होती है, तो वो इन मेडिसिन के द्वारा आप उसको कुछ हद तक सिम्टम्स को पैलिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंसर की कंडीशन है तो आपको वहाँ के टिश्यूज़ को रिमूव कराना पड़ेगा, उसके बिना सर्जिकल एक्सीजन के कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इसके ठीक होने की। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।